हार गया है, इसमें आपने चलना है नमाज वाचना पीछे सो बरतौनी जो बोले सो निहाल। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे उनसे घृणा थी। वो इसी के लायक थे, वही असली अपराधी थे। वो मेरे अपनों की भावना को कुचलना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें कुचल दिया। पूरे 21 सालों तक मैं बदला लेने की कोशिश करता रहा। अब मैं खुश हूँ कि मेरा काम हो गया है। मैं मौत से नहीं डरता और मैं मेरे देश के लिए मर रहा हूँ। इससे बड़ी प्रतिष्ठा मुझे क्या मिल सकती है कि मेरी मृत्यु मेरी मातृभूमि के लिए हुई। राम मोहम्मद सिंह आजाद सुनने में कितना वियर्ड लगता है ना, राम भी, मोहम्मद भी और सिंह भी। पर इस नाम के पीछे मौजूद शख्स को जानने वाले लोग इस नाम को पूरे गर्व के साथ लेते हैं। हर साल 31 जुलाई को इनके स्टैचूज जहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ हार चढ़ाए जाते हैं और इन्हें और इनकी बहादुरी को सम्मानित भी किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज, हु इज दिस गाय? Whom did he crush according to his statement, and why did he call his death an honor? In the next few minutes, we'll tell you the story about Ram Mohammad Singh Azad, or Sher Singh, or as everybody knows, Shaheed Udham Singh. Udham Singh was born on 26 December 1899 at Sunam, Sangrur district of Punjab in India. He was given the name Sher Singh by his family, but unfortunately, at a very young age, he lost both his parents. He was then taken care of by the Central Khalsa Orphanage पुतलीघर in अमृतसर। यहीं उनका नाम उद्धम सिंह रखा गया और 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद में in year 1919 वो orphanage छोड़ के चले गए। Little did he know that very soon a brutal incident would completely change the purpose of his life. Year 1919 इंडियन हिस्ट्री में काफी क्रूशल ईयर था क्योंकि इसी साल रॉलेट एक्ट लाया गया था। आसान शब्दों में रॉलेट एक्ट वो लॉ था जिसके अंडर बिना किसी ट्रायल के ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। इस एक्ट को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया और उन्हें पूरे देश से सपोर्ट मिला, स्पेशली फ्रॉम द पीपल ऑफ पंजाब। जनता का सपोर्ट देखकर अमृतसर में मौजूद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक होने लगी। उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डॉयर। 10 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के कई लोकल लीडर्स को रॉलेट एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया, इंक्लूडिंग सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। इससे लोगों के बीच काफी गुस्सा फैल गया, जिस वजह से सिविलियंस और ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच काफी वायलेंट राइट्स भी हुए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पंजाब के गवर्नर ने अपने कई सारे मिलिट्री ट्रूप्स की कमांड ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दी। 2 days later on 13th April, thousands of unarmed people, including women and children, gathered in Jallianwala Bagh. They gathered to celebrate the occasion of Baisakhi and also to silently protest the arrests. Under the command of Reginald Dyer, troops entered the Jallianwala Bagh and opened fire on the armless people, killing thousands of them. This incident is known as the Jallianwala Bagh massacre. जब ये इंसिडेंट हुआ तब उद्धम सिंह अपने साथियों के साथ जलियांवाला बाग में दूर दूर से आए लोगों को पानी की सेवा दे रहे थे। खून से लथपथ मैदान और कई लाचार लोगों की लाशों को देखकर 20 साल के उद्धम सिंह टूट गए। बट रादर देन लूजिंग ऑल होप्स, ही रियलाइज्ड दैट द पर्पस ऑफ लाइफ वाज समथिंग एल्स। ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगत सिंह एंड हिज रिवॉल्यूशनरी ग्रुप। उद्धम सिंह गॉट इन्वॉल्वड इन द रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स। इन अर्ली 1920s, he left for East Africa before making his way to the USA. In 1924, he got associated with the Ghadar Party. It was a revolutionary party organized by the immigrant Punjabi Sikhs to secure India's independence from the British rule. He worked for the party for a couple of years before coming back to India in 1927 on the orders of Bhagat Singh. He brought his associates with him and also brought revolver and ammunition. Illegal हथियारों की पोजीशन की वजह से जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 4 साल की जेल हुई। इसी दौरान मल्टीपल स्ट्रोक्स आने की वजह से पैरालिसिस और स्पीचलेसनेस की वजह से जनरल डायर की भी मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, वो इनकलाबी जिन्हें उद्धम सिंह बहुत दिल से एडमायर करते थे, वो भी शहीद हो गए। 1931 में रिहा होने के बाद भी भगत सिंह से क्लोजली जुड़े रहने के कारण ब्रिटिश पुलिस उन पर कड़ी नजर रखती थी। इसके बावजूद वे पुलिस को चकमा देकर कश्मीर से होते हुए जर्मनी निकल गए। कुछ साल जर्मनी में बिताने के बाद वो 1934 में लंदन आ गए और उन्होंने वहाँ पर कई अलग अलग काम किए, जैसे कारपेंटर, मोटर मैकेनिक और साइन बोर्ड पेंटर। बहुत कम लोग जानते हैं that he also acted in 2 English films titled Elephant Boy and The Four Feathers. हार गया है, इसमें आपने चलना है नमाज वाचना पीछे सो बरतौनी जो बोले सो निहाल। However, he never forgot the reason for which he came to England. He secretly made plans to assassinate Michael O'Dwyer. Dyer ही जलियांवाला बाग कांड के वक्त पंजाब के गवर्नर थे और उन्होंने ही डायर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहा था और साथ ही आर्मी ट्रूप्स की कमान भी सौंपी थी। उद्धम न्यू द टाइम हैड कम टू अचीव हिज गोल। when he learned that Michael O'Dwyer was scheduled to speak at a meeting in London's Caxton Hall on 13th March 1940. कॉन्फ्रेंस के दिन उधम सिंह एक बुक में रिवॉल्वर को बड़ी होशियारी से छुपा करके हॉल में ले गए। मीटिंग खत्म होते ही सिंह ने रिवॉल्वर निकाली और गोलियां डॉयर में दाग दी। माइकल ओडवायर को मारने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला सिंह ने 21 साल बाद पूरा किया। डॉयर के असैसिनेशन के बाद भी उधम सिंह ना वहां पर से भागे ना ही डरे, बल्कि उन्होंने इमीडिएटली सरेंडर कर दिया। उनके ट्रायल के दौरान जब उनसे उनका नाम पूछा गया तब उन्होंने बड़ी शान से कहा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उन्होंने इस नाम का टैटू भी अपने हाथ पे बनवाया था। एंड द नेम क्लियरली सजेस्टेड द यूनिटी ऑफ रिलीजन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट थ्री वर्ड्स सजेस्टिंग द थ्री मेजर रिलीजन्स इन पंजाब एंड आज़ाद व्हिच लिटरली मेंट फ्रीडम। While in jail, Udham Singh went on a 42 days long hunger strike demanding gutka or daily Sikh prayer book. He was forcefully fed, however, but still given the book. Udham Singh was convicted of murder and sentenced to death. Following his conviction, he also made a speech in the court which the judge said should not be released to the press. 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटोनविले प्रिजन में उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी बॉडी को जेल प्रीमाइसेस में ही दफना दिया गया। However, in 1974, Singh's remains were exhumed and repatriated to India on demand of MLA Sadhu Singh Thind. Shahid Udham Singh was later cremated at his birthplace, Sonam village in Punjab, and his ashes were then scattered in the Satluj River. It was the same river in which the ashes of Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru were scattered. कुछ political activists ने conviction के बाद दी गई speech और उससे related material की मांग करते हुए campaigns चलाई। They got succeeded in 1996. And the speech was published along with three further files covering the trial. He said a lot in his speech, including, "I do not care about sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything. I do not worry about it at all. I am dying for a purpose." Udham Singh ended his speech by saying, "Down with British imperialism. Down with British dirty dogs." And before leaving the dock, उन्होंने solicitor की table की तरफ थूक भी दिया। मार्च 1940 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक स्पीच में उधम सिंह के इन एक्शंस को सेंसलेस कहा, लेकिन 1962 में उन्होंने अपने ही स्टेटमेंट को बदल दिया और बाद में उन्होंने उधम सिंह की सराहना की। इन मार्च 2018, a 10 feet tall statue of शहीद उधम सिंह was installed at the main entrance of जलियांवाला बाग। There have been a few Punjabi films made on his life and the day of his death is declared a public holiday in Punjab and Haryana। शहीद उधम सिंह एक ऐसे इनकलाबी थे जिन्होंने 21 साल तक अपना सब्र बनाए रखा, लेकिन एंड में जिसे वो जलियांवाला बाग कांड का मुख्य आरोपी समझते थे उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने पूरी शान से अपनी मौत को न सिर्फ देश के लिए बल्कि जलियांवाला बाग में उस दिन मारे गई कई निर्दोष औरतों और बच्चों के लिए गले लगा लिया, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। जल्द ही सरदार उधम नाम की एक मूवी बॉलीवुड में भी रिलीज होने वाली है जो शहीद उधम सिंह के ऊपर बेस्ड है। शहीद उधम सिंह का किरदार इस मूवी में विक्की कौशल निभाएंगे। वी होप यू लाइक्ड आवर वीडियो एंड इफ यू डिड, please don't forget to share it with your friends and family so that everybody knows about this brave heart. Jai Hind.